हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। और अवनी एक साथ डांस कर रहे थे, सारे फ्रेंड्स भी होते हैं उनमें, बट वो दोनों क्लोज होते हैं तो ये अनन्या नोटिस कर रही होती है, उसे बुरा लग रहा होता है। बट उसको एक साइड से पता होता है कि प्रीति अवनी को नहीं पसंद करती, अभी भी उसकी चांसेस है। इस बात से वो एक साइड से खुश होती है। जब डांस करते करते प्रीति का बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता उसमें, तो वो बोलती है कि मुझे सॉन्ग सुनने हैं, तो मैं मेरा फ़ोन और कॉर्ड्स लेके आती हूँ टेंट में से। तो अवनी बोलती है हाँ ठीक है, और अवनी रिया को अपनी प्यार भरी दास्तान सुनाने लगती है कि कब से उसे प्रीति पसंद आने लग गई। यहाँ पे प्रीति टेंट में जाते टाइम अनन्या देख लेती है, तो अनन्या सोचती है यही टाइम है, बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ, अब तो मैं बहुत हो गया, अब मुझे ये जेलसी नहीं सहन हो रही। ऐसे सोच के अनन्या टेंट में चले जाती है जल्दी से, छुपके से। प्रीति अनन्या की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती, अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है। तो अनन्या उसके पास आती है और पहले हिचकी जा रही होती है, बट फिर बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये स्वेटर लाया, ये बहुत सॉफ्ट है और तुम्हें इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, तो प्लीज़ ये लो। तो प्रीति बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ही पहनो। अनन्या बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक है, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है, चॉइस करके इतना कितना टाइम लगाया है मैंने इसे चॉइस करने के लिए, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ ले लो, और अब ये मैं वापस नहीं ले सकती। तो प्रीति बोलती है ज़बरदस्ती है क्या, मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारे साथ कोई फ्रेंडशिप भी रखनी है। ऐसे बोल के प्रीति वहाँ से निकलने लगती है, तो अनन्या उसके सामने आ जाती है, तो प्रीति थोड़ा रुक जाती है। अनन्या उसे सामने आके डायरेक्ट हग कर लेती है। देखो प्रीति, मुझे पता है मैं उस दिन गलत थी, मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बट यार अब मुझे समझ में आ गया हम दोनों में क्या है। पता नहीं उस टाइम पे मैं नॉनसेंस इडियट सब कुछ थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट यार दोनों में जो है वो मुझे पता चल गया है लव है। तुम्हारे बिना पता है जब से मैं ट्रिप पे आई हूँ तब से मेरा एक दिन भी अच्छा नहीं जा रहा, एक मिनट भी बहुत मुश्किल से कट रहा है, प्लीज़ यार सब पहले जैसे कर देते हैं। आई लव यू सो मच यार प्रीति, मुझे अभी पता चल रहा है, मुझे तभी रियलाइज़ नहीं हुआ था, मैं बहुत डफर थी, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू सो 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 मच। ऐसे बोल के अनन्या प्रीति को और ज़्यादा टाइट हग कर रही होती है अपने पास में, बोल रही होती है प्लीज़ बोल दो ना यू लव मी टू, यार मैं करण से भी ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं अभी ब्रेकअप कर दूंगी उससे, प्लीज़ मुझे बोल दो यू लव मी टू। प्रीति अनन्या को अपने आप से दूर करती है और बोलती है देखो ऑलरेडी हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था, तुमने मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, तभी भी मुझे इतने होप्स थे, इतना प्यार था, बट यार तुमने मुझे बस ट्रुथ बोला है कि हमारे बीच में कुछ नहीं था, मैं वो फील करने लगी थी, बट यार उस ट्रुथ के वजह से जब मुझे इतना पेन हो रहा है, तुमसे दूर हो रही हूँ ऐसे फील हो रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं था हमारे बीच में, तभी मुझे ऐसे हो रहा है, इतना संवरने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे और तुम वापस मेरे साथ ऐसे ही करोगी, मुझे पता है ये जो तुम बोल रही हो ना, तुम स्ट्रेट हो बोलती हो मुझसे दूर हो जाती हो, तुम मुझे कभी लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं करने वाली, आगे भी ऐसी और डिफ़िकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, और तब जब हम लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं नहीं संवार पाऊँगी खुद को, उससे अच्छा नहीं शुरू करते यार, प्लीज़ यहीं पे रुक जाते हैं, यही बेस्ट है दोनों के लिए। ऐसे बोल के प्रीति मूव ऑन होने लगती है, टेंट से बाहर जाने के लिए निकलने लगती है, तो अनन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है और बोलती है यार, बट यार वो कुछ बोलने जा रही होती है उतने में वहाँ पे अवनी आ जाती है कि क्या हुआ तुम्हें इतना टाइम लग रहा है फ़ोन ढूंढने के लिए, हम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा वहाँ पे। टेंट में घुसते ही ऐसे बोलने लगती है, उतने में वो अनन्या को देखती है और बोलती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, हमारा क्या काम है। देखो एक्चुअली अनन्या को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसे आ गई टेंट में। अनन्या अवनी को कुछ रिप्लाई नहीं करती है और प्रीति वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे बोल के अनन्या ने प्रीति का हाथ पकड़ रखा होता है, तो अवनी बीच में आती है और अनन्या का हाथ छुड़ाती है प्रीति के हाथों से और बोलती है मुझे बताओ ना क्या काम है मेरी फ्रेंड से। अनन्या बोलती है तुमसे नहीं बात करनी है मुझे, क्यों आ जाती हो बीच में, माइंड योर ओन बिजनेस ओके। और फिर प्रीति को बोलने लगती है अनन्या कि यार एक बार बात तो सुन लो ना मेरी, बस भाग रही हो मुझसे।
अवनी बोलती है उसे नहीं बात करनी तुमसे, तो तुम क्यों आ जाती हो बार बार पीछे पीछे, आओ करण के साथ घूमो मजे करो। ऐसे बोलते ही वे अवनी की नज़र अनन्या के दूसरे हाथों पे पड़ती है, तो उसमें एक क्यूट सा वो स्वेटर होता है सॉफ्ट, तो वो बोलती है ओ तो स्वेटर देने आई थी तुम, हमारे पास ऑलरेडी पिंक स्वेटर है और ये ब्लैक स्वेटर तुम प्रीति को देने आई होगी राइट, तुम्हारी फ्रेंड है तो, बट उसे नहीं चाहिए वो जा रही है, तो ये स्वेटर मैं रख लेती हूँ। ठीक है ना यार, कितनी अच्छी जूनियर हो तुम, सीनियर्स का इतना ख्याल रखती हो, थैंक यू। ऐसे बोल के अवनी अनन्या के हाथों से स्वेटर ले लेती है और बोलती है थैंक यू सो मच यार, वैसे भी मेरा स्वेटर थोड़ा स्टाइलिश है तो उसमें से ठंड बहुत लगती है, अच्छा तो दिखता है वो बट ठंड लगती है, इतना थिक नहीं है ये, तो यार दिखने में भी एकदम सही है, मस्त है और थिक भी है, सॉफ्ट है, मस्त चॉइस है तुम्हारी। वैसे बोलते हुए अवनी अनन्या को रुकाए रखती है, प्रीति से बात ही नहीं करने दे रही होती, प्रीति पास से अनन्या का हाथ छुड़ाती है और टेंट में से बाहर निकल जाती है। अनन्या को अवनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है बट वो कुछ नहीं बोलती और प्रीति के पीछे पीछे चले जाती है, उसे आवाज़ लगाने लगती है यार रुको मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, सारी बातें यहाँ पे फिनिश नहीं हुई है, ऐसे नहीं जा सकती रुको, तो प्रीति रुक जाती है और बोलती है देखो जब तुम्हें डिसीजन लेना था तुमने ले दिया सुना लिया, अब तुम मुझ पे क्यों हक जता रही हो, मुझे जो मेरा डिसीजन होगा मैं बताऊंगी, मैंने बता दिया है और मैं अब भी थोड़ा संभल रही हूँ, ठीक हो रही हूँ उस पेन से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्यों मुझे वापस उसी सिचुएशन में लाना है, खुश हूँ मैं ऐसे। मैं बोलती हूँ मेरे साथ तुम खुश नहीं थी क्या यार, वो मोमेंट्स याद नहीं आते तुम्हें, हम लोग घूमने गए थे, हम लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया, इतने जल्दी क्यों मूव ऑन हो सकते, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा। ताकि थोड़ी सी आके भर आती है, वो बोलती है यार थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो मुझ पे, अकेले अकेले लाइफ जीने में बस ब्यूटीफुल लगती है लाइफ, बट यार एक साथ जीने पे तुम्हें भी पता है कितनी लाइफ औसम लगती है, कितना अच्छा फील होता है, देखो प्लीज़ सब पहले जैसे कर देते हैं। प्रीति बोलती है नहीं हो सकता अब सब पहले जैसे, नाइट पे तुमने बड़े इजीली बोल दिया कि हम दोनों के बीच में ना कुछ है था ना होगा, बातें कितनी हर्ट हो गई है मुझे, कैसे निकाल लिया मैंने वो नाइट मुझे पता है, तुम तो मस्त सो गई थी, तुम्हें क्या यार, देखो अभी भी मुझे लग रहा है तुम बस ये फन के लिए कर रही हो ना, तो प्लीज़ मत करो, नहीं दिखाई देता मुझे तुम्हारे आँखों में प्यार, अब नहीं कर सकती मैं तुम पे ट्रस्ट। ऐसे बोल के अनन्या के प्रीति के भी आके थोड़ी सी भर आती है, वो वहाँ से निकल जाती है, बॉन फायर के यहाँ पे आके बैठ जाती है फ्रेंड्स में, को भी बहुत बुरा लगता है एकदम ज़्यादा, उसका दिल टूट जाता है, बट वो तो फिर भी धीर जिद्दी होती है, वो मन ही मन में सोचती है हाउ डेयर शी, मुझे इग्नोर करके जा रही है कब से, डायरेक्ट यहाँ से भाग रही है, ट्रस्ट नहीं करती ना, ठीक है मैं करवाऊँगी तुमको ट्रस्ट, बाद भी तुम करने आओगी मुझसे अभी, ऐसे सोच के प्रीति को घूर रही होती है। प्रीति बॉनफायर के यहाँ पे अपने फ्रेंड्स में जाती है और बातें करने लग जाती है, और वहाँ पे अपनी भी प्रीति को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और उसके बाजू में आके बैठ जाती है उसके फ्रेंड को सरका के, ये देख के तो अनन्या का सिर और फटने लगता है, कुकर की सीटी बजने लगती है उसके सिर की, एकदम गुस्से में जान पूछ के वहाँ पे जो अच्छा सीधा साधा ग्रुप बैठा होता है फ्रेंड का उनके सामने जाती है, और आगे और एक बॉन फायर का छोटा सा ग्रुप बना होता है कॉलेज बॉयज़ का, वो लोग तो अलग ही फन कर रहे होते हैं, वो ज़रा हटके स्टड बॉयज़ होते हैं कॉलेज में बॉम्ब फोड़ने वाले, छुपके छुपके ड्रिंक्स करने वाले बट फालतू नहीं, तो उस ग्रुप में अन्या जान पूछ के अपनी और प्रीति के ग्रुप के यहाँ पे बाजू में आती है और आवाज़ लगाती है हेलो गाइस कैन आई ज्वाइन यू, यहाँ पे जो बैठे होते हैं प्रीति अनन्या करण अंशुमन एक्सेट्रा, इन बच्चों को तो पता होता है वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे टीचर से छुप छुप के लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं वो दूसरा वाला ग्रुप पे, इस ग्रुप में से करण बोलता है ओए अनन्या क्या चल रहा है क्या कर रही हो तुम, उधर नहीं जा सकती इधर आओ चुपचाप, करण ऐसे बोलता है तो अनन्या उसकी तरफ देखती है और बोलती है यू जस्ट शट अप, उसको उसका मुंह बंद करा के आगे चलने लगती है, प्रीति भी उसे देख रही होती है, उसे तो अंदर ही अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कहाँ जा रही है बिगड़ने के लिए, प्रीति सोच रही होती है, करण को भी एकदम ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हो जाती है सबके सामने, तो अवनी उसे थोड़ा सा दिलासा देती है कि छोड़ो करण पता है ना वो एक नंबर की बिच है, तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही, आने दो उसे इतना कुछ नहीं,
करण थोड़ा काम डाउन होता है, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ होता तो वो बोलता है कि इन लोगों की कंप्लेन करके आऊँ क्या मैम को। अवनी बोलती है कि नहीं यार मैम तक मैटर्स नहीं पहुँचने चाहिए, उसमें अविनाश वगैरह भी है से बड़े सीनियर्स। करण थोड़ा कूल डाउन होता है और कुछ नहीं कर पाता। पे अनन्या पहुँचती है और वो फ्रेंड्स भी बोलते हैं ठीक है आ जाओ ज्वाइन कर लो, बड़े मस्ती वाले मूड में लग रहे हैं सीनियर्स। वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो बोलने लगते हैं अनन्या को, आज यार आजकल के जूनियर्स तो बड़े फ्रैंक हो रहे हैं, अच्छा है। बैठो, वहाँ पे दो तीन लड़कियाँ भी होती है, वो भी अनन्या को देख के इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है इम्प्रेसिव यार। अनन्या जान पूछ के गाना गाने लगती है, हमको पीनी है हमको पीनी है, एकदम जोरदार आवाज़ में। तो आवाज़ इस वाले ग्रुप तक भी पहुँच रहा होता है, जान पूछ के कर रही होती है, अपनी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो थोड़ा सा टर्न हो के उस ग्रुप को देखने लगती है, अनन्या की तरफ देखने लगती है गुस्से से, और अनन्या भी देख ही रही होती है कि कभी मेरे पास देख रही है ये। तो वही मोटिव होता है कि आए मुझसे खुद से बात करे। देखती है कि अवनी प्रीति उसकी तरफ देख रही है, तो जान पूछ के वहाँ पे एक फ्रेंड होता है, उसको बोलती है कैन आई ज्वाइन, ऐसे बोल के उसके हाथ से एक छोटी ड्रिंक की बोतल ले लेती है। तो फ्रेंड भी बोलता है हाँ श्योर श्योर। तो प्रीति ये पलट पलट के देख रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से उस ग्रुप में से उठ जाती है और अनन्या की तरफ बढ़ती है। तो अनन्या की थोड़ी सी फट जाती है, बट वो खुश भी हो रही होती है कि आ रही है, आफ्टर ऑल आ रही है मुझसे बात करने के लिए। प्रीति एकदम गुस्से में अनन्या की तरफ आती है और वो लोग ऐसे नीचे बैठे होते हैं, प्रीति उनके पीछे अनन्या के पीछे खड़ी हो जाती है और एकदम गुस्से से बोलती है क्या कर रही हो तुम। अनन्या की थोड़ी सी फट जाती है, बट वो उठ के ड्रिंक की बोतल ऐसे ऊपर करती है हाथों से और बोलती है दिस इज इंजरियस टू हेल्थ, ये तुम्हें नहीं पीना चाहिए, हमारे साथ बॉनफायर इंजॉय करने आओ, वहाँ पे हम लोग बहुत फन करेंगे, ऐसे उस फ्रेंड्स को बोलने लगती है। और प्रीति की तरफ फेस करती है एकदम कार्टून जैसे और बोलती है कि यार मैं तो इनको समझा रही हूँ, इतना नेक काम कर रही हूँ, कितनी अच्छी हो ना मैं, चलो अब मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। वो फ्रेंड्स सारे जो होते हैं वो भी एकदम हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं यार तू तो बहुत कमीनी है, आजकल के जूनियर्स ना बहुत स्मार्ट हो गए। फ्रेंड्स ऐसे हंसने लग जाते हैं और वो जो बड़ी होता है उसका, वो अपनी ड्रिंक की बोतल उसे छीन लेता है और बोलता है दो ये तुम्हारी कोई काम की नहीं है, निकलो चलो यहाँ से। हो प्रीति ऐसे अनन्या को घूर रही होती है गुस्से से, अनन्या एक क्यूट सी स्माइल देती है प्रीति को। प्रीति अनन्या का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच के जहाँ पे थोड़ा अच्छे डिसेंट स्टूडेंट बैठे होते हैं उनके ग्रुप में ले आती है, बोलती है यहाँ पे बैठो अच्छे से। देख के अवनी को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है बट वो कुछ बोलती नहीं। जब प्रीति मतलब उसके बाजू में होती है तो अवनी धीरे से प्रीति को बोलती है कि यार क्यों लाने गए थे इसे, रहने देते हो वहाँ पे ही, इसे भी बहुत बड़ी बिच होते जा रही है ये। तो प्रीति अवनी को थोड़ा सा धीरे से चिल्लाती है तुम कैसे बोल सकती हो उसको ऐसे, दूसरों को जज करने में टाइम गंवाने से अच्छा है ना खुद को ज़रा सुधारने में टाइम लगाओ, समझे। प्रीति भी उसको डायरेक्ट ऐसे बोल देती है तो अवनी का मुंह बंद हो जाता है। और रिया उसके बाजू में होती है तो बोलती है क्या गपशप लगा रहे हो इतने स्लो स्लो। अवनी रिया को बोलती है कुछ नहीं ऐसे ही बस। वहाँ पे अनन्या भी प्रीति के थोड़ा करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है बस उसी से बात करोगे मुझसे नहीं बात करोगे, अच्छे मुझे वहाँ से इतने हक से उठा के लाई हो जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और यहाँ पे आके तो नज़ारे ही अलग है, मुझसे तो बात ही नहीं कर रही हो, नहीं बड़ी नाइंसाफी। बोलती है कि कुछ हक वेक नहीं जता रही हूँ मैं तुम पे, बस मैंने कभी तुम्हें अपना समझा था इसलिए। अनन्या बोलती है कभी नहीं, तुम मुझे अभी भी अपना ही समझती हो, अभी भी वो प्यार मुझे दिखाई देता है तुम्हारी आँखों में। ऐसे बोल के अनन्या बॉनफायर के यहाँ पे प्रीति की आँखों में देख रही होती है बड़े प्यार से, प्रीति की भी नज़र उसकी तरफ पड़ रही होती है, वो इतनी क्यूट लग रही होती है बॉन फायर की आग के वजह से, पूरा फ्लैश अनन्या के फेस पे पड़ रहा होता है। अपनी प्रीति के बाजू में ही बैठी होती है और उसे ये सब बहुत खटक रहा होता है। तो सामने करण होता है बॉन फायर के यहाँ पे, तो फिर अवनी उसे इशारा करती है कि क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम बिल्कुल नहीं रह रहे, आओ जाओ इम्प्रेस करो उसे, चैलेंज लगाया तुमने याद है ना तुम्हें। करण बोलता है हाँ, बट उसे थोड़ा सा अनन्या का गुस्सा ही होता है, बट फिर भी से अपनी ब्लैंकेट लेता है और उठता है। अनन्या के बाजू में एक फ्रेंड बैठी होती है, उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम उस साइड जाके बैठो, अनन्या के बाजू में आके बैठ जाता है करण।
अपनी जो ब्लैंकेट है वो अनन्या के बाजू के साइड से हाथ से डालता है, अनन्या को थोड़ा अपने साइड सरकाता है। और ये लोग जो एकदम प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे के पास देख रहे होते हैं, ये होश में आ जाते हैं, प्रीति और अनन्या। करण इतने प्यार से अपने ब्लैंकेट में अनन्या को पास लेता है, तो ये देख के प्रीति को और हर्ट होने लगता है, जहाँ पे वो फील कर रही होती है कि हमें अभी भी कुछ है, कुछ हो सकता है। इसमें ऑलरेडी बहुत प्यार होता है अनन्या के लिए, वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है, तो पे उसे फील होने लगता है कि दोनों में बात बन सकती है, एकदम गर्लफ्रेंड वाली वाइब्स आ रही होती है वहाँ पे, आके कुछ ना कुछ तो कर देती है। तो इसी तरह से अनन्या प्रीति को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो थोड़ा सा दूर हो जाती है अनन्या से। अनन्या करण की तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है, मुझे कोई गर्मी नहीं हो रही, तुम्हारी ब्लैंकेट हटा हुई है। हाँ, बॉन फायर चल रहा है यहाँ पे, फिर भी ब्लैंकेट लेके बैठे हो। कुछ नहीं सुन रही होती है अनन्या करण को, चिल्ला उठ रही होती है, बट प्रीति तो ऑलरेडी हर्ट हो चुकी होती है, तो वैसे उठ के चले जाती है। अपनी दिल्ली दिल में बोलती है, हो गया काम, लग गई आग। प्रीति वहाँ से उठ के चले जाती है, तो अनन्या और करण को गुस्से से देखने लगती है, घूरने लगती है और बोलती है, यार तुम हमेशा आ जाते हो अच्छे मोमेंट्स खराब करने के लिए, देख ही नहीं जाते लगता है तुमसे। करण बोलता है, क्या हो गया, तुम क्या हमेशा मुझे बड़बड़ाती रहती हो, इतने प्यार से मैं ब्लैंकेट लेके आया था, तुमसे प्यार से बातें करने जाओ तो तुम ऐसे करती हो। अनन्या बोलती है, यार इनफ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, प्लीज़ देखो समझो, मुझे नहीं है तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स, हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं प्लीज़। उस टाइम पे मैंने हाँ भी इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आजू बाजू में थे, तुम्हारी इंसल्ट हो जाती, बट मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती। करण सोचने लगता है, यार ये इसने ब्रेकअप कर लिया तो फिर मैं चैलेंज हार जाऊँगा, ये ऐसे कैसे, ये मुझे रिच नहीं कर सकती, मैं ब्रेकअप करूँगा, ये कैसे ब्रेकअप कर रही है, इससे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। करण ऐसे सोचने लगता है और उतने में मैं ऐसे बोल के वैसे गुस्से से चले जाती है। प्रीति वहाँ पे टेंट में जाती है और अपनी चादर बिछाने लगती है, कुशन डालने लगती है, तो अवनी भी वहाँ पे आती है और बोलती है, मुझे भी नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। अवनी भी परफेक्टली उसके बाजू में चादर डाल रही होती है सोने के लिए, तो अनन्या आती है और फिर प्रीति के दूसरे साइड अपना कंबल डालने लगती है। अवनी बोलती है, ओए तुम यहाँ पे कैसे सो रही हो, अपने टेंट में जाओ, चलो अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे रिया, मैं, प्रीति और अनुष्का सोने वाले हैं। तो अनन्या बोलती है, ओ हेलो, तुम किस चीज़ से दादागिरी कर रही हो, मैम ने बोला है ना 5-6 जन एक टेंट में सोएंगे, टेंट्स कम है, कोई भी किसी भी टेंट में आके सो सकता है, ऐसे तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अनन्या बोलने लगती, तुम टेंट से बाहर जा रही हो। प्रीति अनन्या बिल्कुल सुनती नहीं है और अपना कंबल बिछा रही होती है आराम से। अवनी को गुस्सा आ जाता है, वो पास आती है और अनन्या को धक्का दे देती है, बोलती है, चलो निकलो टेंट से, अपने ग्रुप में जाओ चलो। अनन्या हमेशा सुनती है बट इस बार उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता है, बार बार अवनी उनके बीच में आ रही होती है, तो वो भी अवनी को धक्का दे देती है जोर से और बोलती है कि नहीं जाऊंगी मैं, क्या करोगी। तो अवनी तो ऑलरेडी एकदम चुड़ैल गुस्से वाली होती है, तो एकदम झगड़ा करने लगती है, जोर जोर से धक्का देने लगती है। इस बार अनन्या भी शांत नहीं रहती, वो भी एकदम झगड़ा करने लगती है, एकदम जोरों का झगड़ा होने लगता है बाल वगैरह खींच के। प्रीति दोनों को भी रोकने के लिए कोशिश करती है, यार मत झगड़ा करो, क्या हो रहा है तुमको, रुको। दोनों भी सुन नहीं रहे होते, एकदम जोरों जोरों से झगड़ा करने लगते हैं, बाल खींचने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। प्रीति एकदम जोरों से चिल्लाने लगती है, यार रुक जाओ, स्टॉप इट। तो रिया भी वही होती है, तो रिया अंदर आ जाती है, देखती है कि बहुत झगड़ा हो रहा है और प्रीति उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही है, बट दोनों रुक नहीं रहे, तो रिया अवनी को रोकने लगती है, अवनी बस करो मैम आ जाएगी, रुक जाओ। एक साइड से अवनी को खींचने लगती है रिया और प्रीति अनन्या को खींचने लगती है, अनन्या प्लीज़ रुक जाओ, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग। दोनों भी दोनों साइड से दोनों को खींच रहे होते हैं, रिया अवनी को खींच रही होती है और प्रीति अनन्या को खींच रही होती है। भी वो झगड़ा सुलझ नहीं रहा होता, तो वो लोग वहाँ पे और दूसरे फ्रेंड्स आ जाते हैं और देखते कि यार ये तो बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो उसमें से एक लड़की जाती है और उनको बुलाती है, वहाँ पे एक टेंट में सो रही होती है, तो उन्हें उठाते हैं वो लोग। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बाल खींच रहे होते हैं, तो रिया और प्रीति इन लोगों को और पीछे खींचने लगते हैं एक दूसरे को इशारा करके, तो एकदम टाइटली खींचते हैं, तो दोनों भी दोनों साइड गिर जाते हैं, रिया के ऊपर गिर जाती है और अनन्या प्रीति के ऊपर। रिया को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है, वो अवनी को गाली देने लगती है, पागल है क्या तू, कितने जोर से लग गई यार, मुझे तो सर है या मेटल है,
भी एकदम गुस्से में होती है और बोलती है चुप रह तू, मेरे को तो इस लड़की की वजह से दिमाग हट गया है। और फिर से अनन्या को पकड़ने जा रही होती है अपनी, उतने में रिया उसे फिर से पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है तू कहीं नहीं जा रही है, रुक यहाँ पे यार, मैम लोग आ जाएंगे। वहाँ पे अनन्या प्रीति के ऊपर गिरी होती है, उसका एल्बो थोड़ा सा प्रीति के कमर पे लग जाता है, प्रीति के मुंह से थोड़ी सी छींक निकलती है, आउच यार। तो अनन्या थोड़ा सा टोन होती है, खुद को कूल डाउन करती है और उसकी कमर के यहाँ पे ऐसे हाथ लगा लेती है, यार सॉरी तुम्हें बहुत ज़ोर से लग गई क्या। अनन्या ऑलमोस्ट उसके ऊपर बैठी होती है, प्रीति के गिर गए होते वो लोग, और अनन्या ने उसकी कमर पे हाथ रखा होता है, उसे लग गया होता है। तो फिर वो ऊपर देखती है तो फिर दोनों का एकदम आई कांटेक्ट होता है क्लोज आके। अनन्या बहुत क्यूट फेस बना के बोल रही होती है सॉरी सॉरी प्रीति यार, मैंने इंटेंशनली नहीं किया ये, तुम्हें बहुत जोर से लग गई है क्या, ऐसे बोल के प्रीति के कमर को थोड़ा सा प्रेस कर रही होती है, कहाँ पे लगा अनन्या ऐसे बोलते हुए। और प्रीति को उसके ऊपर ही बैठी होती है तो थोड़ी फीलिंग्स आ रही होती है। उतने में वहाँ पे मैम आ जाती है और फिर बोलने लगती है क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन झगड़ा कर रहा था। तो आती है और सीधा अवनी के पास आती है और बोलती है तुम सीनियर हो ना इस टेंट में, तो ठीक से संभाल नहीं कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हें झगड़ा करने लगोगी तो कैसा चलेगा। तो अवनी बोलती है मैम यहाँ पे जूनियर सुने तो ना, जूनियर सुनते ही नहीं है सीनियर्स की तो क्या करे। तो अनन्या भी एकदम गुस्से से उठ के आती है और बोलती है मैम अगर इतना टॉर्चर करेंगे, रैगिंग करेंगे सीनियर्स तो क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं सारे स्टूडेंट्स डरते इससे पंगा लेने के लिए, कुछ बताने के लिए, बट ये जूनियर्स की बहुत रैगिंग करती है, हमेशा मनमानी। अब मैंने यहाँ पे कंबल बिछा दिया था, देखिए मैम मेरा कंबल भी है, मैं यहाँ पे सोने आई थी, बट फिर भी ये मनमानी कर रही है कि नहीं निकलो यहाँ से, अब आपने तो बोला था एडजस्ट करके सोना है, बट ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते मैम। हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ मैम इनको ना थोड़ी सी तमीज़ सिखाइए, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है इनको। तो अवनी को ये सुन के और गुस्सा आ जाता है, वो एकदम गुस्से में टेम्पर उसका हाई हो जाता है, वो बोलती है कि तुझे मैं तो अभी बताती हूँ रुक। तो मैम उसे रुकाती है और एकदम भड़क जाती है और बोलती है अवनी कैसे बिहेव करती हो तुम, बीच में कैसे बात करते हो, तुम्हें सच में तमीज़ नहीं है, जूनियर है वो, उनको उनके साथ ऐसे बिहेव करोगी तो आगे वो भी ऐसी बातें करेंगे, तो सारी तुम्हारी ही गलती लग रही है, कोई हक नहीं तुम्हें ऐसे पे दादागिरी करने की, राइट्स दे दिए तो इसका मीनिंग ये नहीं है कुछ भी करने बोलो उनको। कंबल बिछा दिया ना तो वो इधर ही सोएंगी, अब तुम बोलोगी तो उठेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, तुम्हें बस राइट्स है उन्हें राइट गाइड करने के लिए। उन्होंने नेक्स्ट टाइम से इसने तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव किया तो तुम मुझे आके कंप्लेन करना। मैम भी भड़क जाती है तो अवनी थोड़ी शांत हो जाती है, ना दिल ही दिल में बोलती है आफ्टर ऑल विक्ट्री मेरी ही हुई, मैं ही जीती, ये तो बस स्टार्टिंग की विक्ट्री है अवनी, प्रीति को तो मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी, वो बस मेरी है, ऐसे अनन्या सोच रही होती है। प्रीति भी अनन्या को देख के शॉक होती है थोड़ी कि अनन्या ने खुद से फाइट किया है विदाउट डरे हो, उसके बाजू में ही होती है तो प्रीति बोलती है ओहो आज खुद से इतनी फाइट, वो भी अवनी के साथ। प्रीति उसके बाद एकदम लॉयली प्यार से देखती है और बोलती है कुछ भी हो जाना तो सह सकती हूँ, कुछ भी सह लूँगी, बट तुम्हारे मेरे बीच में अगर कोई आएगा ना तो मैं नहीं सहूँगी, हमेशा हमारे बीच में लुटपुट करने आ जाती है। अनन्या को धीरे से बोलती है कि ओ हेलो तो सच में गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हो, मैं तुमको पहले ही क्लियर कर दिया है, इससे हम दोनों को पेन होने वाला है बस, और कुछ नहीं होने वाला, तो मेरे लिए फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। प्रीति ऐसे बोल के जो कंबल उसने खुद के लिए बिछाया होता है वहाँ पे सो जाती है, अवनी को भी बड़ा गुस्सा आया होता है, वो भी बाजू में आके सो जाती है, अनन्या भी उसके बाजू में आके लेट जाती है और उसे अंदर ही अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। प्रीति को थोड़ा सा ऐसे हिलाती है और बोलती है देखो अब तुम जाती कर रही हो, कब से तुम्हें मना रही हूँ, इतना एटीट्यूड इतना ईगो कब से, ये बस मुझ में हो सकता है, तुम यार मुझे कब से इग्नोर किए जा रही हो, ऐसा नहीं कर सकती तुम, मेरे ईगो पे आ गया ना तो मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, पहले ही बोल रही हूँ तब जल्दी हाँ बोल दो मुझे, तो तुम्हें पता है मुझ में कितना एटीट्यूड है। प्रीति भी थोड़ा सा टर्न होती है फिर अनन्या की तरफ और बोलती है ओ हाँ तुम्हें तो बड़ा एटीट्यूड है ना, बड़ी इगोइस्टिक लड़की हो तुम, ये ना तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने अभी कभी तुम्हारे सामने अभी तक एटीट्यूड दिखाया नहीं है, मैं एटीट्यूड दिखाने पर आ जाऊँ ना बस सोच लेना। तो अनन्या को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो भी गुस्से में बोलती है कि जाओ नहीं बात करनी ना मुझे, तुम्हें मुझसे तो मत करो जाओ, मैं भी कहाँ मरी जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मत करो बात मुझसे, ऐसे बोल के अनन्या दूसरी साइड फेस कर देती है। प्रीति भी अपना फेस अपोजिट साइड पे करती है,
तो उसके साइड अपोजिट साइड पे अवनी एकदम गुस्से से मुंह फुला के अनन्या के बारे में ही सोच रही होती है, उसे गालियाँ दे रही होती है मन ही मन में। देखती है कि प्रीति ने उसके साइड फेस किया है तो वो एकदम खुश हो जाती है और खुश हो के प्रीति को हग कर लेती है सोते टाइम। तो प्रीति उसका हाथ निकाल लेती है, बोलती है यार मत रखो ना, ऐसा नहीं पसंद मुझे। तो अवनी बोलती है यार रहने दो ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो ये सुनने के बाद अनन्या भी टर्न होती है और देखती है कि अवनी बार बार प्रीति के ऊपर हाथ रख रही है, पाँव रख रही है। तो अवनी अनन्या टर्न होती है तो प्रीति को भी फील होता है, तो वो बोलती है हाँ ठीक है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो ठीक है कर सकती हो तुम हम। तो वो ये सुनने के बाद अनन्या पर तो एकदम पारा हाय हो रहा होता है। प्रीति भी कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ही कर रही होती है। अनन्या एकदम गुस्से में दूसरे साइड फेस करके सोती है। प्रीति भी जानबूझ के ऐसे करती है बट उसे नींद आ जाती है। यहाँ पे अवनी का भी गुस्सा शांत हो जाता है, उसके तो अलग ही मज़े चल रहे होते हैं। प्रीति को हग करके सोने में उसको अलग ही मज़ा आ रहा होता है, सुकून मिल रहा होता है। वहाँ पे अनन्या को तो नींद ही नहीं आ रही होती, एटीट्यूड बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा होता अनन्या का। वो बार बार इस साइड उस साइड टर्न हो रही होती है, उसे नींद ही नहीं आ रही होती। तो वो देखती है कि प्रीति और अवनी दोनों भी सो गए हैं। वो थोड़ा सा उठती है और अवनी के हाथ पाँव प्रीति के ऊपर से हटा देती है और खुद एकदम प्यार से प्रीति को हग कर लेती है और बार बार चेक कर रही होती है प्रीति उठी तो नहीं। फिर देखती है कि प्रीति एकदम गहरी नींद सो गई है, तो एकदम प्यार से लेटली हर रोज़ की तरह प्रीति को हग करती है। उस दिन अनन्या को एकदम प्यार भरी अच्छी नींद आती है। फिर सुबह हो जाती है तो एक चीज़ अच्छी होती है कि अनन्या को जल्दी उठने की आदत होती है, तो वो हर रोज़ की तरह एकदम जल्दी उठती है और फिर प्रीति के ऊपर से हाथ हटाती है, उसे बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है और फोरहेड पे किस करती है और बोलती है जानवर। ऐसे बोल के वहाँ से अनन्या चले जाती है। फिर टेंट में से उठ के सारे फ्रेंड्स फिर वहाँ पे बात लेने जा रहे होते हैं, ब्रश करने जा रहे होते हैं। घर के बाहर ही तो अनन्या भी फ्रेश हो लेती है, फिर धीरे से बाद में अवनी भी उठती है, प्रीति भी उठती है, फिर सब फ्रेश हो लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वो लोग निकलते हैं, वहाँ पे एक टेम्पल होता है वहाँ पे, फिर वो लोग टेम्पल में जाते हैं और टेम्पल में जाते टाइम भी ये लोग दोनों भी अपना एटीट्यूड टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले बात करने आएगा आएगा। दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, छुपके छुपके से देख रहे होते हैं। वहाँ पे सब लोग स्टूडेंट्स टेम्पल में जाते हैं जो जो इंटरेस्टेड होते हैं और गॉड से प्रे करते हैं, जो जो अच्छा लगता है उन्हें चाहिए होता है उस बारे में। और ये दोनों तो एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे होते हैं, एटीट्यूड तो नाक पे चढ़ा होता है, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे होते बट फिर भी एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स प्रेयर वगैरह करके बाहर आते हैं। नन्या तो पहले प्रीति को टेढ़ा मुँह करके वहाँ से बाहर निकलती है। तो बाहर आ रही होती है तो वहाँ पे करण को तो प्रे वगैरह करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, वो गॉड पे बिलीव नहीं कर रहा होता। तो वो और उसके फ्रेंड्स बाहर ऐसे ही गपशप लगाते बैठे होते हैं। प्रीति बाहर आती है और ऐसे ही चल रही होती है तो करण अपने फ्रेंड्स को बोल रहा होता है यार उसने मुझसे ब्रेकअप कैसे किया, मैं उससे ब्रेकअप करूँगा ऐसे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी कॉलेज में। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं यार कुछ भी कर उसे फिर से माना और फिर ब्रेकअप कर। करण बोलता है हाँ ये ठीक है, मैंने तो चैलेंज लगाया था यार इसको सीरियस करना है, ये तो भाई खुद ब्रेकअप करके चली गई मुझसे, अलग ही बंदी है, छोड़ो मुझे कुछ भी करके मैं उसे पैचअप करता हूँ और फिर मैं ब्रेकअप करूँगा जल्दी से। तो कॉलेज में अपने फ्रेंड से बोल देगी किसी से कि मैंने ब्रेकअप कर दिया, मेरी इतनी अच्छी रिस्पेक्ट पानी में मिल जाएगी, ड्यूट से वो बन जाऊँगा मैं, जूनियर लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया मतलब खुद से। करण ऐसे अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है और अनन्या सुन लेती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती और बाहर जाके ऐसे ही टहल रही होती है। बट उसे प्रीति की याद आ रही होती है कि कब आएगी यार ये बाहर, क्या कर रही है इतना अंदर। तो वो बाहर टेंपल के बाहर गार्डन में टहलते टेंपल की तरफ देख रही होती है, क्या कर रही है कब आएगी, अब भुलाने तो नहीं जा सकती, एटीट्यूड बीच में आ रहा है। तो बस वेट कर रही होती है कि उनका नेक्स्ट घूमने का स्पॉट बीच होता है। वो मोमेंट्स याद कर रही होती है कि वो और अनन्या बीच पे गए थे तो कितना मज़ा आया था। सोच रही होती है कि यहाँ पे भी भेज होनी चाहिए, हम दोनों एक ही प्लेट से खाएंगे। फिर सोचती है नहीं नहीं यार वो खुद से पूछे कि तो एक प्लेट में खाएंगे।
तो सोच ही रही होती है, बट फिर भी प्रीति का वेट कर रही होती है, देख रही होती है बार बार टेम्पल में। पवनी तो एकदम मैग्नेट होती है, चिपकू मैग्नेट, वो तो अनन्या के प्रीति के साथ ही रहती है, तो प्रीति के साथ बाहर आ रही होती है। वहाँ पे कोकोनट प्रसाद में बट रहा होता है, कटा हुआ कोकोनट, तो अवनी वहाँ से प्रसाद लेती है, शुगर और कोकोनट और के लिए भी ले लेती है, और उसे थोड़ा सा खिला देती है, तो अनन्या ये दूर से देख लेती है और उसको तो एकदम जलन फील होने लगती है। एकदम मन ही मन में प्रीति को कोसने लगती है कि यार मैं इसे सुबह से मिस कर रही हूँ, इतने टाइम से इसका बाहर आके वेट कर रही थी, मुझे लगता है ये तो मुझे थोड़ा भी मिस नहीं करती, अभी तो मैं इसे सबक सिखा के रहूँगी, कितना पीछे पीछे भागूँ मैं इसके। अनन्या ऐसे सोच ही रही होती है, तो प्रीति भी प्रसाद खाते खाते यहाँ वहाँ देख रही होती है कि अनन्या कहाँ पे गई, चिड़कू मुर्गी कहाँ पे गई मेरी। धीरे धीरे नजरें छुपाए हुए प्रीति कोई अनन्या को ही ढूंढ रही होती है प्रीति भी। आफ्टर ऑल उसकी नजरें निगाहें अनन्या के ऊपर पड़ती है, तो उसके फेस पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है, बट प्रीति को अवनी के साथ देख के अनन्या के तो मुंह पे 12 बजे होते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं देती। टीचर्स बोलते हैं सब लोग एक साथ ही रहो, सीनियर्स को बोलते हैं कि ध्यान रखो जूनियर्स पे, और फिर वहाँ से बस में बिठाते हैं सारे स्टूडेंट्स को और वो लोग बीच की तरफ निकल पड़ते हैं, बीच भी वहाँ से पास में ही होता है, फिर वो लोग वहाँ पे बीच पे जल्दी से पहुँच जाते हैं। अनन्या को भी एकदम तेज़ वाला गुस्सा आया होता है, तो वो प्रीति की तरफ मुड़ के नहीं देख रही होती, उसका एटीट्यूड बीच में आ रहा होता है। प्रीति भी एकदम छुप छुप के देख रही होती है, एकदम नज़र में नहीं आती, बट उसको भी अनन्या को देखने की बहुत क्रेविंग्स हो रही होती है, मन कर रहा होता है, तो एकदम छुप छुप के अनन्या की तरफ देख रही होती है प्रीति के साथ बातें करते हुए। बस से नीचे उतरते हैं स्टूडेंट्स भी, तो करण सामने आ जाते हैं, अनन्या को साइड में खींच लेता है और बोलता है कि यार प्लीज़ प्लीज़ कब मत करो, पता है मैं थोड़ा सा गुस्से वाला हूँ, चिल्ला देता हूँ, बट इतनी सी बात पे कौन ब्रेकअप करता है, अभी तो हमारा पैचअप हुआ है, हमें थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेना चाहिए। उसका हाथ खींच के उसे ऐसे बोल रहा होता है, तो सुनते उसकी नज़र प्रीति की तरफ पड़ती है, तो प्रीति छुप छुप के एकदम गुस्से से अनन्या को देख रही होती है, फिर अनन्या ने उसकी तरफ देखा तो दूसरे साइड देख रही होती है। अनन्या के सर की ट्यूब थोड़ी जल जाती है, वो सोचती है प्रीति तो एकदम ज़्यादा जेलिस हो रही है, अब आएगा मज़ा, वो करण को बोलती है हाँ कोई बात नहीं, हम लोग फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं एक दूसरे को। करण एकदम खुश हो जाता है और अनन्या को हक कर लेता है, ये देख के प्रीति एकदम जल जाती है, एकदम गुस्से में अनन्या की तरफ बढ़ने लगती है, अनन्या की भी थोड़ी फट जाती है कि क्या करेगी ये। अनन्या करण को थोड़ा दूर कर लेती है, करण ने उसे हक करके रखा होता है, तो प्रीति उसकी तरफ बढ़ती है और बाजू में जो पानी पूरी वाले भैया का ठेला होता है वहाँ पे बोलती है भैया भेल देना, भेल एकदम तीखी देना, एकदम ज़्यादा मिर्ची डालना उसमें, उसे बोल के एकदम तीखी तीखी भेल मंगाती है प्रीति, और अनन्या को एकदम समझ में आ रहा होता है कि इसे कुछ कुछ हो रहा है, जैसे कि वो तो एकदम मज़ेदार आ रही है, मज़ा ही आ गया। मैंने ऐसे ही मन ही मन में सोच रही होती है, फ्रेंड्स देखते हैं बीच में आ गया क्या मज़ा मस्ती होती है, दोनों में से किसका एटीट्यूड टूटता है, कौन पहले बात करता है। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।